YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में ड्रेस कोड लागू किए जाने पर मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता और पूर्व वाणिज्य कर सलाहकार समिति सदस्य साजिद हसन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। जब साजिद हसन से बात की गई तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो खुद तो मुस्लिम विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है और जो उन्हें महज नाम के मुस्लिम मंत्री बना रखे है। मोहसिन रजा और वसीम रिजवी, उन्होंने 6 माह से लगातार मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। कभी वह उनके आतंकवादी बताते हैं, कभी मस्जिद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं। कल भी मोहसिन रजा ने यह टिप्पणी की है कि जो बच्चे मदरसे में कुर्ता पजामा पहन के हम उन्हें पैंट शर्ट पहनाने का काम करेंगे, जबकि यह गलत बात है, भड़काने वाली बात है, प्रदेश में माहौल खराब करने वाली बात है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों में संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पढ़ने वाले छात्र धोती शर्ट पहनने में मान जाऊंगा कि वाकई उनमें दम है। और मेरा मानना है कि उन्होंने कई माह पहले मंदिर में जाकर धर्म परिवर्तन कर लिया था और अब वो मुस्लिम नहीं है। और जो मुस्लिम नहीं है वो ना तो अल्पसंख्यक के मंत्री हो सकते हैं और ना ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं। ये लोग मुसलमानों के धोखा दे रहे हैं। हमारी पोस्ट यही है कि अगर मदरसे और मदरसे के बीच परतंज कसा जाए तो हम उन्हें नामर्द मानते हैं और वाकई मीना मर्दानगी का काम कर रहे हैं। चाहे उसमें वसीम रिजवी हो या उसमें मोहसिन रजा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी औहदेदार व्यक्ति हो जो मुस्लिम पर टिप्पणी करेगा, हम हिंदू भाइयों के साथ उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी को बना रखा है, अब मुस्लिम नहीं रहे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा लिया है। और ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो उसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन से हटाना चाहिए और मोहसिन रजा को भी सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और यह औहदे उन मुस्लिम को देने चाहिए जो मुस्लिमों के हित की बात कर सकते हैं, उनके कल्याण की बात कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला ड्रेस कोड को लेकर मदरसे में? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसमें वो खुद तो मुस्लिम विरोध की मानसिकता से ग्रस्त चल ही रहे हैं और महज नाम के मुस्लिम जो बना रखे हैं, उन्होंने मोहसिन रजा वक्फ मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने लगातार पिछले 6 माह से ऐसा टारगेट कर रखा है मुसलमानों को। कभी वो उन्हें आतंकवादी बताते हैं, कभी उनको मदरसों को मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। कल भी उन्होंने, मोहसिन रजा ने ये टिप्पणी की है कि मदरसों में जो बच्चे कुर्ता पजामा पहनते हैं वो कुर्ते पजामे की जगह हम उन्हें पैंट कमीज पहनाने का काम करेंगे, जबकि ये गलत बात है, भड़काने वाली बात है, प्रदेश में तनाव पैदा करने वाली बात कर रहे हैं। ये सबको पता है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में संस्कृत विद्यालय हैं तो वहाँ पर छात्र पढ़ने वाले धोती कुर्ता करते हैं और हम आप तो ये खुद ही देख सकते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो धार्मिक रूप से वस्त्र जो धारण करते हैं भगवा और बिना सिला हुआ। तो अगर वे ऐसी टिप्पणियां करेंगे, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, अगर उनमें दम है तो वो यह कह के दिखाएं कि मुख्यमंत्री भी पैंट कमीज पहनेंगे, तो मैं मान जाऊंगा उनमें दम है, लेकिन वे उनके इशारे पर नाच रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है, उन्होंने कई माह पहले मंदिरों में जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो मुस्लिम नहीं रहे थे। तो जो मुस्लिम नहीं रहे थे, ना तो वो अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हो सकते हैं और ना ही मुस्लिम वक्त के चेयरमैन हो सकते हैं। तो ये धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमानों के बीच में वाहिद नाम बनावटी नाम के तौर पर मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ऐसी हमारी पोस्ट यही है कि अगर मदरसे के बच्चों पर तंज किया जाएगा, मदरसों पर तंज किया जाएगा, तो हम उन्हें नामर्द मानते हैं और वाकई में वे नामर्दानगी का काम कर रहे हैं। चाहे उसमें वसीम रिजवी हो, चाहे मोहसिन रजा हो और चाहे प्रदेश सरकार का कोई भी ऐसा
व्यक्ति हो, ओहदेदार हो, जो मुस्लिमों पर टिप्पणी करेगा, माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसी बात कहने वालों को बेनकाब करेंगे। मैं फिर यही मांग करता हूँ कि वसीम रिजवी को, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है, अब वो मुस्लिम नहीं रहे हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन कर चुका हो वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं रह सकता है, उनको हटाना चाहिए और मोहसिन रजा को भी सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और ये ओहदे मुस्लिम को देने चाहिए जो मुस्लिमों के कल्याण की बात कह सकें, मुस्लिमों की भलाई की बात कह सकें। लेकिन सरकार जानबूझकर इन लोगों को समर्थन दे रही है और जो मानसिकता उनकी सरकार की है उसी मानसिकता के अनुसार इन लोगों से काम लेकर मुसलमानों को जलील करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से कैमरामैन अनमोल के साथ नीरज कुमार, जीएनए इंडिया।